विरमवात स्वागत छे। आम आदमी पार्टी नी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाली रही छे। गोपाल इटालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करी रह्या छे, सीधा त्यां जईशुं। पार्टी छे, अमे संघर्ष थी क्यारे थाकवाना नथी, संघर्ष थी थाक्या नथी, अने जाणी जोईने समजी विचारीने आ रस्तो अमे पकड़ेलो छे। एटले मारुं एम केवुं छे के बनी शके के चूंटणी हार्या छे, पण अमे हिम्मत नथी हार्या। अमारी हिम्मत अड़क छे, अमारुं मनोबल अड़क छे, अमारा तमाम क्रांतिकारी ईमानदार कार्यकर्ताओनुं मनोबल अने हिम्मत अड़क छे। फरी वखत અમે લોકોની વચ્ચે જઈને જ્યાં કમી રહી ગઈ હશે, જ્યાં અમારો મેસેજ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં કંઈ ત્રુટી રહી ગઈ હશે, જ્યાં અમારા સંગઠનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ખામી રહી ગઈ હશે, એ બધી જ જે કંઈ ખામીઓ હશે, ભૂલો હશે, ત્રુટીઓ હશે, ફેરફાર હશે, એ બધું જ સુધારીને વધુ એક મજબૂત અવાજ બનીને, વધુ એક શક્તિશાળી સંગઠન અને પાર્ટી બનીને ફરી વખત અમે ચૂંટણીમાં ઉતરીશું, અને ત્યાં સુધી ઇન બિટવીન જનતાની સેવા કરતા રહીશું। થેન્ક યુ સો મચ। હિન્દી મેં આપી દઉં। ઉપસ્થિત સભી મીડિયા સાથી મિત્રો કા સ્વાગત હૈ। આજ બહોત હી ઐતિહાસિક દિન હૈ, બહોત હી ક્રાંતિકારી દિન હૈ ગુજરાત કે ઇતિહાસ મેં। આજ હમ સબ કે લિયે, આમ આદમી પાર્ટી કે લિયે, ગુજરાત કે લોગો કે લિયે ગર્વ કા દિન હૈ। આજ આમ આદમી પાર્ટી ને सालों से जो एक नरेशन भाजपा और कांग्रेस ने गुजरात के अंदर चलाया था, उस नरेशन को खत्म कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस वाले लगातार ये कहते थे कि गुजरात में तीसरी पार्टी कभी सफल नहीं होगी, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने 5 विधायकों के साथ ऑफिशियली गुजरात की विधानसभा में एंट्री कर ली है, और इसी के साथ गुजरात में तीसरी दमदार ईमानदार आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। इस नन्हे कदम से हम एक बड़ी उड़ान तय करेंगे आगे जाकर के। इस नन्हे से कदम से हम आसमान तक हमारी सफलता को, हमारी पार्टी को पहुंचाएंगे, और इस नरेशन को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूं। आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बोल रहा हूं, तब तक गुजरात की जनता ने 40 लाख से ज्यादा वोट आम आदमी बड़े बड़ी अपडेट्स आपने